दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कभी ना करें बच्चों के सामने टीचर से कुछ बातें, उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यह देखा गया है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अक्सर माता पिता बच्चों की टीचर के सामने या तो बहुत बुराई करते हैं या फिर उनकी तारीफ करने लगते हैं, जबकि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। यहाँ आज हम जानेंगे कि पेरेंट्स को बच्चों के सामने टीचर से कौन सी बात नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर नेगेटिविटी ना आए। बच्चों की ग्रोथ में माता पिता और टीचर का योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है। ऐसे में पेरेंट्स और टीचर की एक छोटी सी गलती बच्चे के विकास को गलत दिशा में दे सकती है या उसको ले जा सकती है। यह देखा गया है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अक्सर माता पिता बच्चों की टीचर के सामने या तो बहुत बुराई करते हैं या फिर उसकी तारीफ करने लगते हैं, जबकि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। अगर आप भी पेरेंट्स हैं तो आपको बच्चों के बेहतर विकास के लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि पेरेंट्स को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान बच्चों के सामने या टीचर के सामने किन बातों को कहने से बचना चाहिए। पीटीएम में कई माता पिता अपने बच्चों को डांट देते हैं, जिसका असर बच्चों की मानसिकता पर गलत रूप से पड़ता है। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता ने उन्हें सबके सामने डांट दिया और वे उन पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। अपने बच्चों की ज़्यादा तारीफ टीचर के सामने कभी ना करें, इससे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और स्कूल में शैतानियाँ करने लगते हैं। यही नहीं, कई बच्चे अपने टीचर की बात को भी वैल्यू नहीं देते, उनकी इज्जत नहीं करते। पीटीएम में कई बार माता पिता या टीचर बच्चों की इतनी ज़्यादा कमियाँ निकालते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस खोने लगता है। यही नहीं, अगर आप टीचर के सामने बच्चे की ज़्यादा शिकायत करें तो टीचर बेवजह बाद में बच्चों को डांटते रहेंगे, उन्हें बार बार उनके पेरेंट्स द्वारा बताई गई कमियों की याद दिलाएंगे। अगर आपको किसी बात का बुरा भी लग रहा हो या फिर आपको लग रहा है कि बच्चे ने गलती की है, तो उसे प्यार से समझाएं, घर जाकर उससे बात करें, चिल्लाएं या मारपीट ना करें। ऐसा करने से स्कूल में आपकी और बच्चे के बारे में लोग मजाक उड़ा सकते हैं। बच्चे की कमियों को सुनकर ऐसी बात बच्चों के सामने ना करें जिससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाए, मसलन तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे आदि। ये बातें बच्चों को परेशान कर सकती हैं और वे चीज़ों से भागना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।